हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं कुणाल मल्होत्रा और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट HSS फ्लैश फोटोग्राफी, या जिसका फुल फॉर्म होता है हाई सिंक स्पीड फोटोग्राफी। अभी HSS क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो टॉकिंग अबाउट कि HSS होता क्या है। फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाई सिंक स्पीड। बट ये हाई सिंक स्पीड का मतलब क्या है वो जानने से पहले हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और हमें बात करनी पड़ेगी फ्लैश सिंक स्पीड के बारे में। अब ये फ्लैश सिंक स्पीड क्या होता है, मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको देता हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करना, आपको दो तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले आप अपना कैमरा लेके आना, जो भी डिजिटल कैमरा है उसकी फ्लैश पॉपअप ऊपर कर देना, फ्लैश को पॉपअप कर देना। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अब आप अपनी शटर स्पीड को ट्राई करो 1/200 से ऊपर ले जाने का। आई एम प्रीटी श्योर वो 1/200 या 1/250 ऑफ अ सेकेंड से ऊपर नहीं जाएगी। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है आपके कैमरा की फ्लैश सिंक स्पीड। अब यहाँ से आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो गया, अब मैं आपको थ्योरी बताता हूँ। फ्लैश सिंक स्पीड का मतलब होता है हर एक कैमरा की एक फ्लैश सिंक स्पीड होती है, मतलब जब फ्लैश ट्रिगर होती है तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए आपके कैमरा में एक शटर स्पीड होती है। अगर आप उससे फास्ट जाते हो तो आपकी इमेज में कुछ एरिया डार्क होना स्टार्ट हो जाता है और एक शटर स्पीड के बाद पूरी इमेज भी ब्लैक आ सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपका कैमरा, आपकी जो कैमरा की फ्लैश सिंक स्पीड है जो ऑन एन एवरेज 1/200 रहती है, कहीं कैमराज में 1/250 भी हो सकती है, कैमरा उससे आगे नहीं अलाउ करता जब आप पॉपअप फ्लैश यूज़ करते हो। अब सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है, जब आप एक मैनुअल फ्लैश यूज़ कर रहे हो, कोई भी फ्लैश यूज़ कर रहे हो और अब आप अपनी शटर स्पीड को 1/250 से ऊपर लेके जाते हो, अगर आपकी फ्लैश में HSS नहीं है तो आप अगर अपनी शटर स्पीड को 1/250 से फास्ट कर रहे हो 1/1000, 1/2000 या 1/4000, तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे आपकी इमेज में थोड़ा एरिया ब्लैक आएगा या कभी कभार पूरी इमेज भी ब्लैक आ सकती है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि आपको ऐसी फ्लैश लेनी है जो HSS एनेबल्ड हो, ना कि ऐसी फ्लैश जिसमें HSS ना हो। बट ऐसा भी नहीं है कि जो फ्लैशेस जिसमें HSS नहीं होता उसको आप यूज नहीं कर सकते। पहले बात करते हैं कि आप नॉन HSS फ्लैश को कहाँ और कब यूज कर सकते हो। लेट सपोज आप ऐसी फोटोग्राफी करते हो जहाँ पे आपकी शटर स्पीड का रिक्वायरमेंट 1/200 से फास्ट नहीं है, आप पोर्ट्रेट शूट्स करते हो इनडोर 1/125, 1/180 या 1/200 के अंडर अगर आप रहते हो तो आपको जरूरत नहीं है, आप एक अफोर्डेबल फ्लैश के साथ भी शूट ईजिली कर सकते हो। बट रिक्वायरमेंट कहाँ पे आती है HSS फ्लैश की, वो आती है जब आपकी शटर स्पीड 1/200 से फास्ट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। वो कब होगी, पहला सिनेरियो होगा जब आप कुछ एक्शन या कुछ स्पोर्ट शूट कर रहे हो, वहाँ पे आपको मूवमेंट को फ्रीज करना है। लेट्स सपोज आप इस तरह की कुछ फोटो प्लान कर रहे हो, यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको HSS फ्लैश चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, आप HSS फ्लैश को लोगे, उसमें HSS एनेबल करोगे और आप 1/200 से ऊपर जो भी आपको शटर स्पीड लेना है आप उस पर शूट कर सकते हो। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हो सकता है, लाइक हम सबको पसंद है कि फोटोज़ में ब्लर इफेक्ट आना चाहिए और जब हम f2.8 या f1.8 पर जाते हैं तो आपको पता होगा हमारी शटर स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, और आउटडोर्स अगर आप जाओगे डे टाइम में तो 1/2000, 4000 ईजिली जा सकता है। अब इतनी हाई शटर स्पीड पे ऑब्वियसली हमें HSS फ्लैश चाहिए होगी, तो वो एक सेकंड सिनेरियो है जहाँ पे आप HSS फ्लैश के बिना काम नहीं कर पाओगे। अब हाई सिंक स्पीड एनेबल्ड जो फ्लैश होती है उसके अंदर क्या होता है, हमें देखने में ऐसा लगता है कि एक सिर्फ एक बार फ्लैश हो रही है, पर इंटरनली क्या होता है, मल्टीपल फ्लैश फायर करता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जो हमें आंखों से लगता है कि एक बार हुई है बट वो मल्टीपल फ्लैश ट्रिगर होती है। इसका रीज़न क्या है, हमारा जो कैमरा का शटर है वो उस हिसाब से रोल होता है कि 1/200 ऑफ अ सेकेंड से अगर हम उसको फास्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया रह जाता है वो शटर रोल होते हुए कि उस फ्लैश जब ट्रिगर होती है उसके आगे वो शटर आ जाता है सेंसर के आगे और इस वजह से वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती। तो जब मल्टीपल फ्लैशेस होती हैं तो जो अलग अलग गैप्स होते हैं उसको वो कवर कर लेती है ये मल्टीपल फ्लैश, और इसीलिए हमें पूरी इमेज में इक्वल लाइट मिल जाती है। अब एक वार्निंग मैं आप लोगों को दे दूं, कई लोगों के साथ ये हुआ है जिन्होंने HSS एनेबल फ्लैश ले ली है बट उनके कैमरा में वो नहीं चल पाता, तो पहले आपको ये चेक करना है कि आपका कैमरा HSS एनेबल्ड होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारे कैनन सोनी कैमरा इनेबल्ड होते हैं, निकॉन में जितना मुझे पता है 3000 एंड 5000 सीरीज़ के जो DSLR कैमरास हैं उसमें HSS नहीं होता, चाहे आप एक HSS फ्लैश ले भी लो आपका कैमरा सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब लास्ट में पॉइंट आता है कि
हमें HSS फ्लैश लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपकी शटर स्पीड 1/200 से फास्ट जाती है, आप स्मॉलर एफ नंबर पे शूट करते हो टू गेट मोर ब्लर इफेक्ट, तो यू शुड गो विद HSS फ्लैश। आप नॉन HSS फ्लैश यूज़ कर सकते हो। अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है 1/200 से ऊपर, तो आपको HSS में इन्वेस्ट करने का कुछ मतलब नहीं है। सो दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, डू इट द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो फ्लैश के बारे में क्या बनाई जाए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।